अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इंडोर पिक्चर्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो इंडोर की ये पिक्चर्स है, ये आप लोग वॉच कर सकते हैं कि स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डॉट्स हैं, स्पॉट्स हैं, और ये पिक्चर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे से टेक्सचर की तरह, जैसे कि आप लोग वॉच कर सकते हैं कि डॉट्स हैं। तो इनको हम वन क्लिक करके फोटोशॉप के अंदर इसको रीटच करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ के ऊपर कमेंट करते थे कि साथ भाई हमारी नेचुरली और टेक्सचर्स के अंदर स्किन की रीटचिंग नहीं होती। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले 3 से 4 से ज़्यादा जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं स्किन की रीटचिंग के ऊपर। तो गाइज, आज की वीडियो ये सबसे डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ फोटोशॉप के एक्शन शेयर करूंगा जो कि आप लोग यूज़ करके अपनी फोटो को रीटच वन क्लिक के अंदर कर सकते हैं, और नेचुरल ही रीटच कर सकते हैं, टेक्सचर्स के अंदर रीटच कर सकते हैं, स्मूथिंग के अंदर रीटच कर सकते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आज की काफ़ी मज़े की होने वाली है। तो सैंपल के तौर पर ये पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इसकी प्रोफेशनल स्किन की रीटचिंग करेंगे। तो गाइज, आज की हमारी वीडियो जो है स्किन की रीटचिंग के ऊपर है, कंप्लीटली मेथड्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइज, वीडियो के अंदर तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो जो लोग वीडियो को स्किप करके वॉच करते हैं, तो वही लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हैं कि साथ भाई हमारी पिक्चर सेम आपकी पिक्चर की जैसे एडिटिंग नहीं हुई, हमारी कलर ग्रेडिंग सेम आपकी पिक्चर की जैसे कलर ग्रेडिंग नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को आज सिंपल वे सा मेथड बताऊंगा, आप लोग किस तरह वन क्लिक करके इजीली कवर कर सकते हैं। तो देन ये आज का हमारा सब्जेक्ट है, इसे जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर दे दूंगा, वहां से आप लोग वन क्लिक करके इसे भी डाउनलोड करके और प्रैक्टिस के तौर पर इसके ऊपर वर्क करके अपने वर्क को लेवल अप कर सकते हैं। तो देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये स्मूथ स्किन एक्शन है जो कि आप लोगों को इसी पिक्चर्स के साथ डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा। तो गाइज, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा। काफ़ी सारे दोस्त क्या करते हैं, वीडियो को वॉच करते नहीं और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अंदर जो डाटा है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि डाउनलोड करके उनको यूज़ करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो अगर आप लोग फुल वॉच देखोगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोग अपनी पिक्चर्स के अंदर स्किन की रीटचिंग 100% जो है परफेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि किस तरह वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोशॉप ओपन कर लेता हूं, और फोटोशॉप के ऊपर मुझे काफी ज्यादा दोस्त कमेंट करते थे कि साथ भाई आप फोटोशॉप 2021 वाला यूज कर रहे हैं, 2020 वाला यूज कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2019 मॉडल है, ठीक है, ये 2019 वर्जन है जो कि आप लोग जो है इसको हासिल करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके कमेंट करें, तो आप लोगों के साथ 2019 मॉडल की जो है वीडियो भी शेयर की जाए फोटोशॉप की, कि आप लोग उसे डाउनलोड करके फोटो एडिटिंग के अंदर अपने वर्क को बेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डॉट हैं, स्पॉट्स हैं, तो हम इनको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि ये डॉट्स, जैसे कि यहाँ पर आप ये डॉट्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हम इसको अब रिमूव नहीं करेंगे, जैसे कि हम पहले स्पॉट हिल टूल की मदद से इनको रिमूव करते थे, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन को इंस्टॉल करेंगे, फिल्टर के अंदर विंडो के अंदर जाएंगे, एक्शन को लेयर्स को जो है फाइल्स उसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर फिल्टर रखा हुआ है इसे राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा फोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन की आप लोगों को बात बताई है कि यहाँ पर आप लोगों के सामने वन क्लिक करके स्मूथ स्किन एक्शन आ चुका है। तो आप लोग जस्ट ओनली इसको ओपन करें और यहाँ पर जो है साथ बीबीसी स्टूडियो एट द रेट इसको क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। उससे पहले हमने अपनी पिक्चर्स के अंदर छोटी छोटी सी फॉल्ट देखनी है जो कि आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरे हेयर्स जो है यहाँ से अबव है, यहाँ से भी हेयर्स अबव है, इनको थोड़ा सा कवर करूँगा, और जो डॉट्स हैं, जो ये स्पॉट्स हैं स्किन के ऊपर, उनको मैंने बिल्कुल भी टचअप नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर स्पॉटिल टूल की मदद से जो छोटे छोटे से हेयर्स हैं जो पिक्चर्स के अंदर क्लेवर लुक जो है हमारे सामने शो करते हैं, हम उनको पहले डिसमिस करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी हेयर्स हैं, हम स्पॉटिल टूल की मदद से यहाँ से भी थोड़े से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने जस्ट ओनली हेयर्स को थोड़ा सा टचअप दिया, वो भी पिक्चर्स की स्किन की लुक के लिए, ठीक है। तो अब जो है हम इसको एक्शन को प्ले करते हैं, सिंपल वे सा मेथड है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक्शन को प्ले किया है, तो ये देखें आप लोगों के सामने ये मार्क्स वाली लेयर बन के आ चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये जो है यहाँ से आप लोगों ने कलर वाइट के ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक है, नीचे जो बॉक्स का कलर, कलर वाइट और ब्रश
टूल्स को सिलेक्ट करते हुए जनरल ब्रश को जो है आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये आप लोगों को बता दी कि आप लोग ब्रश की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और एक्शंस को कैसे प्ले करना है। तो यहाँ पर सिंपली जो है मैंने यहाँ पर ये देखिए आप लोगों के सामने यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स के अंदर भी हमारी पिक्चर्स का जो लेयर मार्क्स होगी वो भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। ये देखें जस्ट ओनली वन क्लिक के अंदर। मिक्सर टूल ब्रश को तो मैंने यूज़ ही नहीं ना करना, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे कहते थे मिक्सर टूल ब्रश, ये देखें मिक्सर टूल ब्रश से भी हट के मैंने आज आप लोगों के साथ एक्शन शेयर किया है जो कि आप लोग वीडियो के अंदर वॉच करके अपनी फोटो एडिटिंग को बेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइज मैंने आप लोगों को बताया कि वीडियो को फुल वॉच किया करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं जो आप लोग स्किप कर देते हैं। अभी के जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक्शन प्ले किया है और एक्शन प्ले करने के बाद इसके अंदर दो तीन काम और भी करते हैं जिसकी आपकी पिक्चर जो है रियलिस्टिक कलर्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो। तो गाइज वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट वाली वीडियो जो है शेयर कर रहा हूँ जो कि आप लोग अपनी फोटो एडिटिंग को बहुत ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये देखें उसने जो डॉट्स हैं उनको भी इजीली कवर कर दिया है, ये देखें। अभी इसके ऊपर बाद में हमने दो तीन स्टेप करने हैं, तो गाइस वीडियो को इंशाल्लाह आप लोगों ने फुल देखने, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को फुल देख लेंगे तो आप लोग भी सेम इस तरह की रिटचिंग जो है कर सकते हैं। ये देखें ये गर्मी के अंदर पिक्चर शूट की हुई थी स्टूडियो के अंदर, तो ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर पसीना वगैरह यानी कि पानी वगैरह जो है यहाँ पर लग रहा है, तो उसे भी हम इजीली ऐसे ही कवर कर लेंगे, ये देखें। अच्छा तो गाइज यहाँ पर जो है हमने स्किन की रिटचिंग कंप्लीट की है, कंप्लीट से मुराद के हमने कवर किया है, ये देखें बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर जस्ट ओनली वन क्लिक के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको जो है इसकी ओपेसिटी हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स की क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी पिक्चर थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे, तो गाइज अगर आप लोग चाहते हैं आपकी पिक्चर रियलिस्टिक लगे तो आप लोग यहाँ पर जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हार्ड कर रहा हूँ तो ये देखें पिक्चर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ गई है। अगर आप लोग लो करना चाहते हो तो यहाँ पर लो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हमने कर ली भाई स्किन की रिटचिंग, अदरवाइज मैं यहाँ पर जो है 80 के ऊपर या 89 के ऊपर जो है ना यहाँ पर रख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 89 के ऊपर यहाँ पर मर्च विजिबल कर लेंगे, ठीक है। तो मर्ज विजिबल करने से पहले ये लेयर्स को जो है मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाना। तो यहाँ पर मर्ज डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक किया मर्ज डाउन, ठीक है। तो ये देखें बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर। अब बात करते हैं इसके ऊपर स्मूथ और भी ज़्यादा स्किन को स्मूथ करना और इसके ऊपर जो हम स्मूथिंग के जो एक्शन अप्लाई किए उसके कलर्स ट्यून को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उसके लिए जो है हम बाद में वर्क करेंगे, पहले हम इसका बैकग्राउंड को जो है रिमूव करते हैं। तो बैकग्राउंड को रिमूविंग के लिए बहुत ईजी सा स्टेप है, आप लोग यहाँ पर क्विक टूल सिलेक्शन ले और सिलेक्टेड मार्क्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्टेड मार्क्स करेंगे तो ये देखिए आप लोगों के सामने इस तरह की पिक्चर शो होगी। तो यहाँ पर सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट कर दें तो ये आप ऑटोमेटिकली जो है आपकी पिक्चर्स के अंदर से सब्जेक्ट को जो है रिमूव कर देगा। ये देखें ये इसने सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। अदरवाइज ये सेकंड टूल को सिलेक्ट करना जो हमारे मिसिंग पार्ट्स थे हमने उसको कवर करना है। ये देखें आप लोगों के सामने इजीली जो है जो मिसिंग पार्ट्स है हेयर्स के ऊपर से उसे हम मैंने यहाँ से इजीली कवर किया है। जैसे कि यहाँ पर भी उसने बैकग्राउंड छोड़ दिया, इजीली इस बैकग्राउंड को भी हम ट्रिम करते हैं, ठीक है। और स्मूथिंग वाला जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्मूथिंग कलर एक्शन जो है हम मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूंगा क्योंकि वो आप लोग वीडियो वॉच करें आप लोगों को पता चले कि कौन सा स्टेप पहले करते हैं कौन सा बाद में करते हैं। तो ये देखें ये हमने कर ली इसकी सिलेक्शन, ठीक है। सिंपल वे के स्टेप के साथ मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल जे नहीं तो यहाँ पर कॉपी बाय लेयर करें, ठीक है। ये देखें हमारा बैकग्राउंड से सब्जेक्ट अलहदा हो चुका है, ठीक है। तो अब यही बैकग्राउंड जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट एंड पिक्सल करते हैं और नीचे वाले लेयर सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट इनवर्स करते हैं, तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर कॉपी वाले लेयर करेंगे बैकग्राउंड भी अलहदा हो जाएगा। ये देखें आप लोग बैकग्राउंड अलहदा है सब्जेक्ट अलहदा है, ठीक है। तो ये जो हमने बैकग्राउंड अलहदा किया है उसके ऊपर ब्लर लगाएंगे, फिल्टर ब्लर गाशियन ब्लर, ठीक है। यहाँ पर अराउंड 250 का जो है मैं ब्लर लगा देता हूँ। ये देखें बहुत ही इजी वे के स्टेप के साथ यहाँ पर ब्लर हमारा ऐड हो चुका है। और यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को मैं सेलेक्ट करता हूँ जो कि बैकग्राउंड की जो मिसिंग पार्ट्स हैं जैसे कि यहाँ पर इजीली इनको कवर कर लेता हूँ। ये देखें ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कवर, ठीक है। बैकग्राउंड को अगर आप लोग किसी भी कलर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ग्रे कलर के अंदर रखना चाहते हो तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं थोड़ा सा कलर्स को टचअप करूँगा क्योंकि मेरी पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी क्लेवर लुक बन के आए। जैसे कि यहाँ पर मैंने
येलो येलो कलर यहाँ पर रख लिया है, ठीक है, अराउंड ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सामने जो है पिक्चर्स की एक लुक जो है बन के आई है। अदरवाइज जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग स्मूथिंग जो ब्रश यूज करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मर्च डाउन करूंगा, ठीक है। ये देखें बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो स्मूथिंग वाला जो एक्शन है, इससे पहले हम कैमरा फिल्टर्स के अंदर इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग करेंगे, यानी कि ट्यून को सेट करेंगे, और फिर इसके ऊपर स्मूथिंग का जो मैटर मेन है ना, जिससे आपकी स्किन 100% स्मूथ होगी, तो वो भी आप लोगों के साथ स्टेप शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फिल्टर के अंदर जाएंगे, कैमरा फिल्टर के अंदर जाएंगे, सॉरी ये लेंस फाइल ओपन हो गया, यहाँ पर फिल्टर, कैमरा फिल्टर, ठीक है। तो कैमरा और फिल्टर के अंदर जाके तो यहाँ पर हम इजीली इसकी थोड़ी सी कलर ट्यूनिंग्स को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप भी अपनी पिक्चर्स के लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। ये भी पिक्चर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर दे दूंगा, सैंपल के तौर पर आप लोग इसके ऊपर वर्क करके अपनी पिक्चर्स की क्वालिटी को भी अच्छा कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी बेस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसके थोड़े से कलर्स को थोड़ा सा टचअप करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा रेड कलर्स के अंदर, बेसिक के अंदर जो है मैंने हाईलाइट कम नहीं की, यहाँ पर एक्सपोजर को जो है अराउंड इतना रखते हैं, ठीक है, हाईलाइट काम में, वाइटिंग भी काम में। आगे जो है नेक्स्ट कर्व्स के अंदर यहाँ पर हाईलाइट ज़्यादा कर दूंगा, क्योंकि ये स्किन के ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट हमारे पर व्यू करेगा, ये थोड़ी सी, ठीक है, डार्कनेस ओके है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा एफेक्ट्स ऐड करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा एफेक्ट्स ऐड हो गया। यहाँ पर कलर कैटेगरी के अंदर जाएंगे, जैसे ब्लू प्रीमियर कलर्स है, इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये देखें जी, ये हमारी स्किन के ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज कलर आया, तो अदरवाइज ऑरेंज कलर नहीं भी चाहिए तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जो है हमारी पिक्चर जो हो चुकी है, यहाँ पर मिड ट्यून जो कलर हम चेक कर लेते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर किस तरह के कलर हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कितने हार्ड कलर बन के हमारे सामने आए। तो यहाँ पर सिंपली जो है मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, तो ये देखें बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो इसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि भाई स्किन को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए आप लोगों के पास फिल्टर के अंदर एमएजी का नॉइज प्रोफेशनल जो है ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, यहाँ पर आप लोगों को रिव्यू दिखा देता हूँ बिफोर आफ्टर वाला, ये देखें, ये इसने स्किन को थोड़ा थोड़ा टेक्सचर के अंदर स्मूथ कर दिया, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर जो है फुल नॉइज रिडक्शन है, ये इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए किसी दिन इंशाल्लाह इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर हर बंदा जो है 5-5 कमेंट करेगा, तो इंशाल्लाह गिव वे के अंदर भी उन लोगों को फ्री के अंदर शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने नॉइज रिडक्शन के ऊपर रख के ओके किया है, तो ये हमारे पिक्चर्स के ऊपर नॉइज प्रोफेशनली जो है नॉइज वेयर हो रहा है, तो जिससे हमारी पिक्चर जो है स्मूथ होगी। ये देखें, ये हमारी पिक्चर की स्किन जो है स्मूथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखें बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो गाइज देखें कितने इजी वे के स्टेप के अंदर जो है मैंने यहाँ पर स्किन की रीटचिंग की है और इसका जो है कलर ग्रेडिंग भी अच्छी की है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर एक्सपोजर का फिल्टर लगाना, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को कम्प्लीटली जो है ना एक मेथड शेयर करता हूँ जिसके अंदर जो जो चीज़ें मैं अपनी फोटो एडिटिंग के अंदर यूज़ करता हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ। तो गाइज उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप लोग भी सेम इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये फिल्टर बने हुए हैं, ये देखें आप लोगों के सामने, ये देखें इजी वे के स्टेप के अंदर, ये देखें आप अपने पिक्चर्स के अंदर ये फिल्टर यूज़ करके सेम इस तरह की क्लेवर लुक जो है यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, मैंने तो आप लोगों के सामने ये एडिटिंग की है, प्रोफेशनल ये एडिटिंग की है, सिंपल एडिटिंग की है, तो ये देख सकते हैं। तो गाइज फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, वीडियो को वॉच करते हो लेकिन वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग वॉच करते हो, लाइक कमेंट आप लोग करते नहीं हैं। तो गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बार बार यही बोलता हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पर सिंपली ये मैंने ये ब्रांड का जो है फिल्टर अप्लाई किया है, तो ये देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं आप लोगों को 3 लेयर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट से मेथड दिखाऊंगा, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि वीडियो को आप लोग फुल वॉच करें। तो यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट हमारी पिक्चर्स ये थी, ये आप लोग स्किन वॉच कर सकते हैं। सेकेंड हमारी पिक्चर्स ये है और अब हमारी पिक्चर्स ये है, ये देखें कितना डिफरेंट बन के हमारे सामने आया है, ठीक है। तो गाइज उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह निगहबान।